A very good afternoon to my viewers and my dear students, especially third year students. I welcome you all in my YouTube channel, the Surgery Online Class, and today we will discuss about the physiology of wound healing, how wound healing occurs. So process of wound healing depends upon the depth, size, type and the location, the site where the wound has occurred. Also it depends upon the type of infection and the health and age factor also very important, because as we all know, diabetic patient and old age persons take longer time for their wounds to get healed up. Now there are phases of wound healing. First phase is hemostasis, second is inflammation, third phase is proliferation, fourth phase is maturation. So we will study all the phases one by one. This process of wound healing will take days to months, so it is a long time taking process. Now let's begin the first phase, that is the phase hemostasis. In this phase, bleeding will stop, unnecessary bleeding will stop. As we all know, after any injury or trauma, there occurs a bleeding. अब जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होगा, जो ब्लड के प्लेटलेट्स हैं एंड फिब्रिन्स हैं, कॉलेजन फिब्रिन्स विल कम एट दैट वुंड एरिया एंड विल फॉर्म अ प्लैक, प्लेटलेट प्लैक. सो क्लॉट फॉर्मेशन होगा. अब उस क्लॉट फॉर्मेशन में जो क्लॉट बना है वहाँ पे वायरस एंड बैक्टीरिया आर ट्रैप्ड. सो दैट इज द सेकेंड फेज, इन्फ्लामेशन फेज. दिस इज एक्चुअली अ क्लीनिंग फेज. क्लीनिंग फेज क्यों है? क्योंकि जो वायरस एंड बैक्टीरिया ट्रैप्ड है उनको इनगल्फ कर लेंगे आके हमारे वाइट ब्लड सेल्स. इन्फ्लामेशन फेज में हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है. Our white blood cells like neutrophils, macrophages and monocytes will come at the site of wound and will engulf the virus and bacteria. Now we all know the capillaries are the channels between the veins and arteries where the gaseous exchange takes place. Oxygen and nutrients are observed and carbon dioxide and other waste are taken off. Now during the process of healing, jo permeability hai capillaries ki, that will increase. जो सरफेस एरिया है कैपिलरीज का, दैट विल इंक्रीज. जब परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा, दैट विल डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग टिश्यू. सो इडीमा एंड इन्फ्लामेशन होगा. इस इन्फ्लामेशन फेस के अंदर इडीमा होगा, इन्फ्लामेशन होगा अलोंग विथ, क्योंकि परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई कैपिलरीज की तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड दिखेगा कैपिलरीज में एंड देयर विल बी ग्रेटर विजिबिलिटी. रेड कलर ज़्यादा दिखेगा, रेड कलर की कैपिलरीज हो जाएंगी, तो जो सराउंडिंग टिश्यू है वो भी एरिथमेटिस रेड दिखेगा. ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज, द सराउंडिंग टिश्यू विल बी वार्म टू टच. सो दैट्स हाउ इन लोकेशन जहाँ पे वुंड एरिया है वहाँ पे रेडनेस, एरिथमा एंड वार्म दिखेगा एंड इन्फ्लामेशन, दैट इज स्वेलन दिखेगा वो एरिया. नाउ द थर्ड फेज इज प्रोलिफरेशन. इन दिस फेज ग्रैनुलेशन टिश्यू विल फॉर्म. जो कैविटी है, जो वुंड कैविटी है, वो धीरे धीरे भरने लगेगी. उस कैविटी में ग्रैनुलेशन टिश्यू धीरे धीरे भरने लगेगा और वो कैविटी पूरी फिल्ड हो जाएगी बाय द ग्रैनुलेशन टिश्यू. नाउ फाइब्रोब्लास्ट विल कम एंड प्रोड्यूस एंड रिलीज collagen fibers. This collagen fibers will give strength to the granulation tissue. Now the fourth phase is maturation phase. In this phase, अब ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया है, वहाँ पे स्ट्रेंथ मिल चुकी है कॉलेजन फाइबर से. अब वहाँ पे ब्लड वेसल्स फॉर्म्ड होंगी, तो वहाँ पे जब ब्लड वेसल्स फॉर्म्ड होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई होगी. धीरे धीरे जब ऑक्सीजन मिलने लगी तो और ज़्यादा सेल्स वहाँ पे आने लगेंगे, मसल सेल्स भी वहाँ पे आने लगेंगे एंड धीरे धीरे एपिडर्मिस फॉर्म्ड होने लगेगा. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड नाउ. ऊपर की लेयर जो है स्किन की वो फॉर्म्ड हो जाएगी. धीरे धीरे उस ग्रैनुलेशन टिश्यू में अब जो वो वुंड है, जो वुंड की जो एजेस हैं, दैट विल कम क्लोजर एंड दैट विल गेट यूनाइटेड. तो अब कैविटी बिल्कुल नहीं है एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू है एंड एजेस भी जो है वो यूनाइट हो गई हैं. नाउ इस एजेस के यूनाइट होने के बाद में there will be formation of scar tissue. So it is a normal physiological phenomena. Scar tissue formed होगा. Scar tissue कब formed होता है? जब collagen fibers वहाँ पे आते हैं, mature होते हैं. Keloid के अंदर 20 times collagen fibers formed होंगे, but in hypertrophic scar 3 times.
नॉर्मल स्कार फॉर्मेशन के अंदर जितने कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस होने चाहिए उतने होंगे, धीरे धीरे स्कार फॉर्मेशन के नॉर्मल स्किन भी आ जाएगी।